शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शिखा, मैं पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। एक दाल के चक्कर में दादी ने काव्या भाभी की बुक्स फेंक दी, उनकी पढ़ाई बंद करवा दी और आपने कुछ नहीं कहा। हाउ स्ट्रेंज। आखिरकार भाभी तो आपके भरोसे आई है ना इस हवेली में, कितना अकेला महसूस कर रही होंगी वो। इशिका, मैं कुछ सोच समझ कर चुप रहा। अगर मैं हर बार काव्या के लिए दादी माँ से बहस करूंगा ना, तो दादी माँ और काव्या के बीच की दूरियां और बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये काव्या का फैसला था कि वो दादी माँ का दिल मेरे सहारा नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीतेगी। एंड आई रिस्पेक्ट द डिसीजन यार। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं हर प्रॉब्लम को एक ही तरह से नहीं सुलझाता, पर आज जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आज जो हुआ वो काव्या के माँ बाप के सामने नहीं होना चाहिए था। अगर आज मैं दाल खराब नहीं बनाती तो दादी माँ मुझसे नाराज भी नहीं होती और मेरी पढ़ाई बंद करवाने की तो नौबत ही नहीं आती। पापा जी, दादी माँ मुझे एक अच्छी बहू बनाना चाहती हैं और अगर एक बार मैं सब कुछ सीख लूंगी ना तो शायद दादी माँ खुद ही मुझे मौका दे दे फिर से पढ़ने का। पापा जी, दादी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा नाराज है। मैं उनका दिल जीत कर दिखाऊंगी और आपके संस्कारों को कभी हारने नहीं दूंगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा पर वो समझ जाएंगे। तुम कहती हो तो मान लेता हूं काव्या, मगर दामाद जी का पक्ष लेना बंद करो। पापा जी, काव्या, जाने दो बेटा, अभी तुम्हारे पापा जी का मूड ठीक नहीं है। कमाल है, पापा जी को लगता है मैं करण सर को सपोर्ट कर रही हूँ और दादी माँ को लगता है करण सर मुझे सपोर्ट करते हैं। क्या लव स्टोरी है। काव्या, कहाँ खो गई बेटा? कुछ कुछ होता है माँ, तुम नहीं समझोगी। ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, अब ना मुझे आपसे रसोई की पूरी ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, पूरी ट्रेनिंग दूंगी तुम्हें, चल आ जाओ। माँ, मुझे ना कोई अच्छी सी सब्जी बनाना सिखा लो। बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन सब्जी बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? प्याज। ये लो, तुम प्याज काट के दिखाओ। चलो। बहुत जल रहा है माँ। बेटा, ऐसे काटोगी तो जलेगा ही। देखा, ये जो है ना, इसके बीच में से इसे ऐसे, प्याज का जो सफेद भाग है ये ऐसे निकाल दो और अब काटो। अरे हाँ माँ, अब तो जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही। प्याज भी कट गया और आंखों में से आंसू भी नहीं आए। टुकड़ा बर्फ का डाल, नहीं तो ये मिक्सी की गर्माहट से चटनी काली पड़ जाती है। देखा, इसे खिला हुआ हरा रंग आया है चटनी का। हाँ माँ, सच में अच्छी है। पृथ्वी अब तक ट्यूशन से नहीं आया? वो रास्ते में किसी दोस्त से बातें करने लग गया होगा। <laughs>
लग रहा है। इतने दिनों बाद अपने बेड पे लेटती हूँ। तुमने मुझे मिस किया? बहुत किया। इतना मिस किया कि रो रो के तो मेरे आंसू ही सूख गए। हाय ड्रामे बाज। अरे आयु, तुम कहाँ थे इतने देर से? मुझे आए हुए तो काफी टाइम हो गया। कहीं तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे ना? क्या? अरे कुछ बोलोगी भैया? मैं कभी मैं बता रहा हूँ। अरे रुक जा। अरे क्या कर रही हो? मैं बता रहा हूँ। आइए तुम मेरे साथ किचन में चलो। मुझे ना ढेर सारी बातें करनी है तुम्हारे साथ। अरे आओ। मैंने ही बुलाया है आयुष्मान को काव्या से मिलने के लिए। आज के दिन अपना गुस्सा भूल जाइए। पार्वती, ओ माय गॉड, मंजरी दीदी और मैंने फैसला लिया है कि आज के दिन काव्या की खुशी के लिए हम सब भी खुश रहते हैं। हम आज के दिन ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक ही दिन की तो बात है, कल तो हम लोग हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़कर चले जाएंगे। पता नहीं ये बचपन के दोस्त फिर कब मिल पाए। अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। पता है आई, घर में जब से आई हूं ना ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कभी इस घर को छोड़कर गई थी। जैसा छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अरे ये क्या, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ? तुम तो सुन ही नहीं रहे हो। सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बाबा सुन रहा हूँ, तुम बोलो। हाँ तो मैं वो एक बात बताओ, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शादी के बाद टाइम तो नहीं मिला होगा। तुम्हें याद है ना कुछ ही दिनों में हमारे एग्जाम्स हैं। पदरी, इन किताबों को बाहर फेंक कर आओ। याद है ना? याद कैसे नहीं, मैंने सारी पढ़ाई कर ली। वो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। क्या आयो तुम भी, जब देखो तब एग्जाम एग्जाम पढ़ाई पढ़ाई यही बातें करते रहते हो। अच्छा मुझे बताओ कॉलेज कैसी चल रही है? मैं ना कॉलेज को बहुत मिस कर रही। कॉलेज की मस्ती, वो एनुअल फेस्ट की प्रेपरेशन, नोक छोक, हंसी मजाक और सबसे बेस्ट तो वो कॉलेज के समोसे। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? ये कैंटीन के समोसे। वाह, कैंटीन के समोसे। अरे नहीं नहीं सब मेरे हैं, अब मैं ही खाऊंगी। कौन आ गया? जी आप कौन? अरे अरे लोटा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। आप आइए, खड़े क्यों, अंदर आइए।
नमस्ते। नमस्ते। कहिए लोटा जी, क्या लेंगे, चाय या शरबत? जब तक चाय बन रही है ना, शरबत मंगा लीजिए। जी मैं भी लेकर आती हूँ। रुकिए, अम्मा जी ने ये भेजा आपके लिए। ये क्या है लोटा जी? करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।